द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका मेज़बान जाफर फरीद। अभी की एक बहुत बड़ी अपडेट बनी असेंबली हलके के लिए जो आ रही है, जीडीसी कठुआ में 6 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती जो है वो हो रही है। अभी तक कुछ वोटों की गिनती की जो रिपोर्ट है वो अभी हमारे पास पहुंची है। 6 की 6 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती हमारे पास पहुंच चुकी है। अभी तक अगर बनी असेंबली हलके की बात करें तो 6,297 वोटों की गिनती हो चुकी है। और अपडेट आपको बताते चलें कि जिसमें से 62 यानी 62 वोट नोटा में गए हैं, यानी ये एक किस्म से अगर बताएं तो इन वोटों की गिनती नहीं होती। जिनमें से वैलिड वोट्स की बात करें तो वो 6,235 वोट्स ऐसे हैं, वैलिड वोट्स हैं। ये बनी के उम्मीदवारों के बीच जो है वो तकसीम होंगे। किन किन उम्मीदवारों को कितने की वोट पड़े वो हम आपको जानकारी देते चले। 6,235 वोट्स में से इन तमाम उम्मीदवारों को, बनी असेंबली हलके से जितने भी उम्मीदवार हैं, कितने कितने वोट इनको पड़े हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर अभी लीड कर रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो बनी असेंबली हलके से आज़ाद उम्मीदवार हैं। 3560 वोट्स इनको अभी तक पड़ चुके हैं, यानी 3560 लोगों ने इनको वोट दिया है। 6,297 लोगों में से, यानी 6,297 टोटल वोट्स हैं, और जिनमें से 6,235 यानी 6,235 वोट जो हैं वो वैलिड हैं। इन 6,235 वोट्स में से डॉक्टर रामेश्वर को 3,560 वोट्स पड़े हैं। अब ज़रा भाजपा की ओर निकलते हैं। भाजपा के उम्मीदवार जीवनलाल लालहाल बनी असेंबली हलके से, इनको इनमें से 2,043 वोट्स मिले हैं। काजल राजपूत जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार बनी असेंबली हलके से हैं, इनको 97 वोट्स यानी 97 वोट्स इनको दिए गए हैं। और मास्टर गौरीशंकर जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको 402 वोट्स इनमें से पड़े हैं। 6,235 वोट्स में से 402 वोट्स। प्रवीण कुमार जो बनी असेंबली हलके से आज़ाद उम्मीदवार हैं, 18 इनको पड़े हैं। बात अगर करें जितेंद्र सिंह की, जितेंद्र सिंह ये भी बनी असेंबली हलके से आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको 49 वोट्स पड़े हैं। सरफराज सफदर बनी असेंबली हलके से आज़ाद उम्मीदवार, इनको 42 वोट्स पड़े हैं। रमेश चंद्र वर्मा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनी असेंबली हलके से, रमेश चंद्र वर्मा को 24 वोट्स पड़े हैं। अगर पूरी बात करें तो इनमें से अभी डॉक्टर ईश्वर सिंह लीड कर रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जीवनलाल लालहाल, तीसरे नंबर पर गौरी शंकर, और चौथे नंबर पर मैडम काजल राजपूत जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है। 4 लोग जो अभी आगे चल रहे हैं, जिनमें सबसे आगे डॉक्टर रामेश्वर का नंबर आ रहा है। यह है अभी की अपडेट। जो ही दूसरी अपडेट हमारे पास पहुँचती है और आखिर तक हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।